गैजेट्स की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं भरत उपाध्याय और आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आज है मेरे पास इंडिया का सबसे महंगा और प्रीमियम फोल्डेबल स्मार्टफोन रिव्यू के लिए। जी हां, हम बात कर रहे हैं सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 4 की, जो हाल ही में लॉन्च हुआ है। काफी सारे नए फीचर्स हैं, बहुत कुछ नया है। क्या स्मार्टफोन अपने प्राइस टैग को जस्टिफाई कर पाएगा, देखते हैं इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 4 के प्राइस और कलर ऑप्शंस के साथ। तो बात करें प्राइस की, तो हिंदुस्तान में इसकी कीमत 1,54,999 रुपए से शुरू होती है। ये स्मार्टफोन इंडिया में 3 कलर्स में अवेलेबल है। हमारे पास जो ऑप्शन है वो फैंटम ब्लैक कलर का है, कुछ इस तरह का दिखता है ये 1.5 लाख का सैमसंग का लेटेस्ट फोल्डेबल स्मार्टफोन। फोल्ड 3 के कंपैरिजन में काफ़ी लाइटवेट फोल्डेबल स्मार्टफोन है, काफ़ी सुंदर दिख रहा है और इसका हिंज है वो पतला है अगर हम फोल्ड 3 के कंपैरिजन की बात करें तो। ओवरऑल लुक्स की बात करूँ तो 263 ग्राम्स का ये फोल्डेबल स्मार्टफोन काफ़ी सुंदर लग रहा है और जो लोग फोल्डेबल स्मार्टफोन्स को पसंद करते हैं और यूज़ करते हुए हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है कि ये फ़ोन काफ़ी लाइटवेट है, जैसे मैंने बोला, और काफ़ी अच्छा है और सुंदर भी है और यंग बायर्स को पसंद भी आएगा। बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 4 के डिस्प्ले की, तो स्मार्टफोन में आप सामने देखेंगे कि जो कवर डिस्प्ले है वो 6.2 इंच की है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। अब इस फोन को आप जब बुक की तरह ओपन करेंगे तो आप सामने देखेंगे 7.6 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। बात करें डिस्प्ले परफॉर्मेंस की, तो सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 4 में जो मेन डिस्प्ले है साथ ही साथ कवर डिस्प्ले दोनों ही एमोलेड है विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। एमोलेड से यहाँ पे एक फायदा ये हुआ कि जो कलर्स है ना वो बहुत अच्छे आ रहे हैं, ब्राइट आ रहे हैं, इवन डायरेक्ट सनलाइट में आप बिना किसी दिक्कत के दोनों ही स्क्रीन्स पर अपना जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो इंजॉय कर सकते हैं, जैसा कि हमने करा इस वीडियो में आप देख सकते हैं। सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 4 में काफ़ी सारे अच्छे फीचर्स हैं, जैसे कि मल्टीपल व्यू, आप एक ही टाइम पर मल्टीपल टास्क इस फ़ोन के थ्रू कर सकते हैं। और दूसरा जो मेजर फीचर ये लगा कि जो भी आप वीडियो देख रहे हैं मेन स्क्रीन पर, जब आप इस फ़ोन को फोल्ड करेंगे तो आप इसे कवर स्क्रीन पर कंटिन्यू फॉर्म में देख सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो मुझे लगा कि सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 4 को कुछ अलग हटके बनाते हैं। सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 4 एक एंड्रॉइड 12 बेस्ड स्मार्टफोन है एंड इट रन्स लेटेस्ट One UI 4.1। बात करें बैटरी की, तो स्मार्टफोन में मिलती है आपको मैसिव 4400 mAh बैटरी। ये स्मार्टफोन फास्ट चार्जिंग के साथ साथ रिवर्स चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 4 का हार्डवेयर काफ़ी सॉलिड है, काफ़ी अच्छा है। फोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 SoC यूज़ हुआ है। ये एक प्रीमियम चिपसेट है, बेसिक टास्क, गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए काफ़ी बढ़िया है। इनफैक्ट आप वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पे कवर डिस्प्ले के साथ साथ मेन डिस्प्ले में हमारा जो वीडियो स्ट्रीमिंग और गेमिंग एक्सपीरियंस है ना, कितना स्मूथ और लैग फ्री है। बात करें बैटरी परफॉर्मेंस की, तो सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 4 को फुल चार्ज करने पर आप स्मार्टफोन को बिना किसी दिक्कत के 11 से 12 घंटे चला पाएंगे। हाँ, अगर हैवी यूजेज की बात करें तो आप स्मार्टफोन को 6 से 7 घंटे ही यूज़ कर पाएंगे, जो मुझे लगा थोड़ा डिसअपॉइंटिंग फैक्टर है स्मार्टफोन का। अच्छी बात यह कि हीटिंग इश्यूज देखने को नहीं मिलेंगे जो फोल्ड 3 में आपको मिले, यहाँ पे आपको हैवी यूसेज पर भी हीटिंग इश्यूज नहीं दिखने वाले। तो ओवरऑल बैटरी परफॉर्मेंस मुझे लगा कि ठीक ठाक था। आइए बात करते हैं कैमरा स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स की, तो सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 4 में मिलते हैं आपको 2 सेल्फी कैमरास। फ्रंट डिस्प्ले पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 10 MP का सेल्फी कैमरा, वही जब आप इसे बुक की तरह ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे इन डिस्प्ले 4 MP का सेल्फी कैमरा। रियर कैमरास की बात करें तो यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलने वाला है, 50 MP, 12 MP एंड 10 MP। बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 4 के कैमरा परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे रियर कैमरास ने मुझे ज़्यादा इंप्रेस करा है। यहाँ पे 2 सेल्फी कैमरास भी हैं, लेकिन मुझे लगा कि जो इन डिस्प्ले सेल्फी कैमरा है वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। अदरवाइज फ्रंट कैमरा जो कवर डिस्प्ले पर है और साथ ही साथ रियर कैमरास, उन दोनों का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था। आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं, जो सैम्पल्स हम आपको सामने दिखा रहे हैं कितने कलरफुल हैं, शार्प हैं, डिटेल्ड हैं, स्पेशली रियर कैमरास जो सैम्पल्स हैं यहाँ पर। तो ओवरऑल कैमरा एक्सपीरियंस मेरा यहाँ पे अच्छा रहा, लेकिन रियर कैमरास को मैं यहाँ पे फुल मार्क्स दूंगा। आइए बात करते हैं वर्डिक्ट की, तो सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 4 में मिलता है आपको अच्छा कैमरा परफॉर्मेंस, साथ ही साथ एक अच्छा प्रोसेसर। वहीं कॉन्स की बात करें तो मैं इसके फ्रंट कैमरा के साथ साथ बैटरी परफॉर्मेंस से थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ। आप हमें बताएं आपको कैसा लगा है वीडियो और ये सैमसंग का नया फोल्डेबल स्मार्टफोन।